कि हमारे अंबेडकर नगर से आने वाले हमारे भाई रितेश पांडे जी जो प्राइवेट रेजुलेशन जिन्होंने यहाँ पेश किया उसके ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया और बहुत महत्वपूर्ण मामला है साहब संकल्प आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं हेतु कल्याणकारी उपाय निश्चित रूप से आज गांव के अंदर सुदूर ढाणियों के अंदर अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर नर्स के बाद स्वास्थ्य से लेके चाहे बच्चों के पालन पोषण से लेके मिड डे मील से लेके जितने सरकारी कामकाज केंद्र की योजनाएं चल रही है राज्य की योजनाएं चल रही है उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आंगनबाड़ी की हमारी कार्यकर्ताओं की सहायिकों की ये हमारी बहनें और दुर्भाग्य इस बात का है सभा महोदय आज़ादी के 70 साल बाद जो सपना इस देश को आज़ाद करने वाले लोगों ने सोचा था आज ये बहनें भी हमेशा सरकारों की तरफ टकटकी लगा के देख रही है और चूंकि सारे सारे लोग आज देश में दिल्ली की सरकार की ओर देख रहे हैं क्योंकि स्टेट के पास ऐसी सुविधाएं भी नहीं होती हमारे राजस्थान के अंदर तो हालात ये है कि वहाँ एक ही रटी रटाई रट लगाई जाती है कि खजाना खाली है 5 साल कुछ भी नहीं होगा इसके के जो भी आंदोलित लोग होते हैं उनको निकाल दिया जाता बड़ा आंदोलन आंगनबाड़ी कार्य ये तो एक बार तो पूरे खाली होंगे मैं बताऊँ आपको ना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए जो पांडे जी लेके आए महिलाएं बच्चों व किशोरों की अनिवार्य स्वास्थ्य व कल्याणकारी सेवाएं ये सब उपलब्ध कराते हैं सपोज महोदय निश्चित तौर पर ये जरूरी है कि इन्हें नियमित रोजगार मिले स्थायी कार्मिक की तर्ज पर वेतन मिले इस रेजुलेशन के माध्यम से चिंता करके देश के इस महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कुछ मानदेय इनका बढ़ाने का आदेश भी किया था लेकिन वो बहुत कम था समझ में अभी कोरोना काल के अंदर हमने देखा जब पूरा देश कोरोना से डर रहा था लॉकडाउन भी चला लंबे समय से लोग एक दूसरे के पास जाने से डरते थे परिवार के अंदर भी लोग ऐसे रहते थे जैसे किसी को जानते भी नहीं उस समय भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायिकों की और हमारे वहाँ आशा सहयोगियों के बीच बहुत बड़ा आंदोलन अभी राजस्थान के अंदर चला उनकी भी बात मैं इनके साथ इसलिए जोड़ूंगा कि उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर होती है बहुत बड़ा आंदोलन अभी भी लगातार राजधानी के अंदर कर रहे हैं बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन कोरोना काल के अंदर इनकी सेवा देखने को मिली और हर समय ये सेवा के लिए तत्पर रहते थे अपने बच्चों को छोड़ के ये दूसरों की सेवा करने के लिए निकल पड़ते थे समझ मोदे स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका व आशा वर्कर ने जिम्मेदारी से कोरोना काल के अंदर अपना काम किया अभी राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन इन्होंने चलाया इनकी प्रमुख मांगे थी कि इनको संविदा से हटा के नियमित किया जाए और कई लोग तो संविदा कर्मी भी नहीं है चाहे जब इनको निकाल देता है महिला बाल विकास विभाग या आशा सहयोगियों को मेडिकल हेल्थ चाहे जब इनको फ्री कर देते हैं एक जांच के बहाने गए और अगर मान लो सरपंच से या किसी नेता से पट्टी नहीं बैठती है तो उनको घर भेज दिया जाता है तो समझ मोदे ये इनके कल्याण को लेके जो चिंता सदन के अंदर की मेरे से पूर्व हमारे सांसद ने सारी बात विस्तार से आपको बताई अभी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री जो यहाँ बिराजी हैं ने बताया कि 1/10/2018 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपये सहायिका का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 2,250 प्रति माह किया है इस रेजुलेशन ने मानदेय की मासिक वेतन में बदलने की बात कही गई है निश्चित तौर पर इनका मासिक वेतन आज सभापति महोदय नरेगा के अंदर भी जो मजदूरी न्यूनतम बढ़ा के आपने 200 से पार कर दिया 7-8 हज़ार रुपये तो नरेगा के अंदर जो मजदूरी करता है उसको भी मिलता है तो मैं तो मांग करूंगा कि 28,000 जो न्यूनतम मजदूरी है 28,000 रुपये इनकी न्यूनतम सरकारी नौकरी जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो सरकारी नौकरी के अंदर उनको मिलता है 28,000 रुपये इनको मिले और इनको परमानेंट भी किया जाए क्योंकि अल्प मानदेय वे नाम मात्र के प्रोत्साहन से इनकी आजीविका कैसे चलेगी सभापति महोदय आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी भवनों के वहां पे पेयजल शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा कैसे उपलब्ध हो
इस पर भी सरकार को गौर करने की जरूरत है, क्योंकि देश में 13,86,990 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 4,36,613 केंद्रों पर शौचालय नहीं है, जनवरी जबकि 2,20,967 केंद्रों पर पेयजल की सुविधा नहीं है, वे 3,58,446 केंद्र किराए के भवन में चल रहे हैं। सपोज महोदय, इसके अंदर हम लोग भी हमारी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, सांसद विधायक और जो भी जनप्रतिनिधि वो भी हमारे कोष से हम समय समय पर पैसा देके आंगनबाड़ी पक्के केंद्र बना रहे हैं, लेकिन 2 साल के लिए हमारा तो आपने इलाज कर ही दिया कि सांसद के पास बजट ही नहीं तो कहाँ से करेंगे, हमें तो लोग बुलाएंगे नहीं। आप देखना कार्यक्रमों के अंदर लोग कहते हैं कि एमपी साहब आप क्या करोगे आके, आपके पास बजट तो नहीं, घोषणा नहीं कर सकते, एमएलए को बुलाएंगे। तो इसमें भी साथ साथ ये भी ध्यान आप लगातार रखें। भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की मैं बात करूँ, सपोज महोदय, 61,974 क्रियाशील आंगनबाड़ी केंद्रों में 32,527 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही शौचालय व 48,949 केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था है, इस पर केंद्र सरकार ध्यान दें। सपोज महोदय, एक दो लास्ट के हैं मेरे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका व आशा सहयोगिनियों को स्थायी कार्मिक की तर्ज पर वेतन दिया जाए, आशा सहयोगियों का भी साथ ही में जोड़ देता हूँ साहब, शामिल ही करीब करीब एक जैसा ही काम है सबका। आशा सहयोगियों ने वेतन बढ़ोतरी व नियमित करने की मांग के लिए आंदोलन किया, राजस्थान में इन्हें मात्र 2324 रुपये प्रतिमा मानदेय मिलता है, इसे बढ़ाया जाए, इन पर एक विभाग के अपने ही इनको रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा चिकित्सा महिला तथा बाल विभाग विकास विभाग के कार्य करवाए जाते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि जब ये आंदोलन करती महिलाएं पिछले 15 साल के अंदर कई महिलाओं पे मुकदमे दर्ज किए गए, आज इन पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पे, सहायिकाओं पे, उनको जेल भी भेजा गया, तो मैं वो तो राजस्थान सरकार मुकदमे वापस लेती है, मुझे राजस्थान का अनुभव है, लेकिन मैं केंद्र सरकार से ये भी अपील करूँगा कि ऐसे मामलों में जितने भी मुकदमे इनके खिलाफ छोटी धाराओं के अंदर दर्ज है वो सब वापस लें, केंद्र निर्देशित करें, इनको परमानेंट करें, क्योंकि ये वो कड़ी है जो देश के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी सुख सुविधा दिलाने का प्रयास करती है, काम करती है, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी ये जाके सरकारी सुविधाओं का लाभ। आज आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप वहाँ बैठा जिले का जो ग्राम सेवक पटवारी है वो भी इनसे ही बात करके कहेगा, जनगणना हो चाहे दूसरा काम हो, क्या बताओ सरकारी सेवाओं के अंदर अगर गिनती करनी हो, कौन सा पैसा पहुंचा नहीं पहुंचा, नरेगा का हो, हर व्यक्ति इन पर ही निर्धारित निर्भर करता है कि आप जाओ और हमें लिख के दो। तो इतना बड़ा लोड इनके ऊपर है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो हमारे पांडे जी इनके कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, इस पर सरकार संवेदनशीलता से बड़ा कदम उठाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिका है इन बहनों को का वेतन बढ़ाए और इनको नियमित करे, और महिला सशक्तिकरण की जो नारा आप लोगों ने दिया है उसको और मजबूत करे। वैसे हमारी बड़ी बहन स्मृति ईरानी जो यहाँ इस विभाग की मंत्री है, निश्चित रूप से आप इस बारे में इन बहनों की तरफ देखेगी, क्योंकि भारत जब ही मजबूत होगा जब अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी अपने आप को उसको लगेगा कि मैं दिल्ली के अंदर बैठा हूँ, जैसलमेर के धोरे से लेके और कन्याकुमारी तक का व्यक्ति ये सोचे कि दिल्ली दूर नहीं। ये जब होगा जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छा पौष्टिक खाने को मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, रहने को अच्छा मकान मिलेगा, ये इस दौर से गुजर रहे हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं धन्यवाद दूंगा पांडे जी को कि इनकी इतनी बड़ी चिंता करी और पूरा सदन इन आंगनबाड़ी की हमारी बहनों की चिंता करता रहा, आप खुद भी हमेशा चिंता करते रहते हो। हमारे जगदम्बिका पाल जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जमाने जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता था, और एक फिल्म भी देखी थी मैंने एक दिन के मुख्यमंत्री की, वो एक दिन के मुख्यमंत्री सीएम साहब को देख के याद आता है मुझे। तो ये हमेशा इसके लिए बड़े आंदोलित रहते हैं, तो हमारी सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन बहनों के लिए कुछ न कुछ अच्छा काम प्रधानमंत्री जी करें, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद हनुमान जी, बहुत बढ़िया।